हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुमझुम सिंह व्लॉग। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ छोले पनीर की रेसिपी। तो यहाँ पे जो छोला है वो मैंने 3 से 4 घंटे हो गए भिगा कर रख लिया था, अब मैं इसे बॉईल करूँगी। बॉईल करते समय ही इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है जावित्री का थोड़ा सा टुकड़ा लिया है, एंड यहाँ पर काली मिर्च लिया है, दालचीनी लिया है, एंड एक इलायची लिया है मैंने काली वाली और हरी वाली एक एक, एंड 2 तेज़पत्ता। ये डालकर मैं इसे अच्छे से बॉईल कर लूँगी। इससे क्या है, इसके जो मसाले के जो टेस्ट हैं इसमें आ जाएंगे। इसी के साथ मैं नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। फिर इसको मैं लगाने वाली हूँ सीटी, तकरीबन आई गेस 2 से 3 सीटी मैं इसे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने छील लिया है लहसुन और अदरक, अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट बनाऊंगी, मतलब इसको जो है मैं कूट लूँगी। अगर आपके पास पेस्ट है तो घर का बना हुआ पेस्ट है तो बहुत अच्छा है, ऐसे तो घर का बना हुआ पेस्ट हमें रखना चाहिए। अदरक और लहसुन का काफ़ी टाइम तक चलते भी हैं एंड इसके टेस्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं एज़ पर मार्केट। बट मैं यहाँ पे अभी अभी बना रही हूँ, मैं प्रिजर्व करके नहीं रखती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं जो है अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको अच्छे से मैं क्रश कर लूँगी। ये जो रेसिपी है गाइस, मैंने मेरे मायके में खाया था मेरी मम्मी के हाथ का, तो मम्मी ने तो बहुत ही अच्छा बनाया था, एंड मम्मी के हाथ का खाना तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता ही है। बट येस, ये मैं मेरे हाथों से बना रही हूँ तो फिर मे बी टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। बट येस, ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, सबके हाथ अलग होते हैं तो मे बी मैं जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ वैसा ही बनकर आएगा। ये रेसिपी वैसे तो काफ़ी अच्छी बनी थी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया, एंड मेरे हस्बैंड को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो गाइज़, इसको मैं कुछ इस तरीके से क्रश कर ले रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी हूँ इसकी वीडियो बनाऊँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है तो मैं सोच रही हूँ शूट कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक को भी, लहसुन को कूट लिया है, एंड ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हो ना, सेम मैंने उसको एक बारीक कटे हुए में भी काट लिया, एंड बाकी ये जो देख रहे हो आप अखे कांदे और आधा कांदा, उसको मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सूखी मिर्ची लिया है, आप अपने तीखेपन के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि इसमें मैं अभी और ग्रीन चिली ऐड नहीं करने वाली। तो यहाँ पे जो पनीर है वो मैंने लिया है, इसमें इसको मोटे मोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया, क्योंकि वो चने में डालने के बाद वो टूट ना जाए, तो इसके लिए इसको मैंने खाली मोटा मोटा पीस ही रखा है। एंड इसको मैं अब मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ, मतलब यू नो थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं सभी पनीर को जो है फ्राई करके निकाल लूँगी। पनीर फ्राई करना ज़रूरी है, अगर आप डायरेक्टली वैसे ही डाल दोगे छोला में तो वो बहुत ख़राब लगेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने पनीर को भी फ्राई कर लिया है, एंड उसी ऑयल में मैं अब मसाले भी डालूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है जीरा सबसे पहले। तो जैसे ये फ्लैटर होने लगेंगे थोड़े टाइम के बाद, इसमें हम डालेंगे अनियंस, ये देख सकते हो बारीक कटा हुआ, एक और आधा अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया, एंड उसी तरीके से मैंने एक और आधा अनियन को पीस भी लिया था मैंने मिक्सी में और लाल मिर्ची के साथ जो मैंने आपको दिखाया। एंड जैसे ही हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप पहले मत डालिएगा, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना, वो जल जाता है। मैं तो यूजुअली आफ्टर अनियंस के बाद ही डालती हूँ। एंड इसको मैं अच्छे से थोड़ा पका लूँगी, एंड इसमें जो मैंने पेस्ट दिखाया आपको मिर्चे एंड लहसुन एंड अनियन के, वो मैं डाल दूँगी। एंड देन सेम बाउल में मैं मसाले भी तैयार कर रही हूँ। इसमें डाला है मैंने हल्दी पाउडर, इसके बाद मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, आई एम नॉट दैट परफेक्ट, सो कितना टेबल स्पून मैं ले रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। तो ये एवरेस्ट का चिकन मसाला मैं डाल रही हूँ, आप घर का बना भी गरम मसाला डाल सकते हैं, या मैं कोई मैं ब्रांड को रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। सो इसको अच्छा सा एक मिक्स देकर इसको मैं जो भी मेरे मसाले अभी डाले तो उसी में मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो पानी डालकर मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ कुछ इस तरीके से। गाइज़, ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करिएगा, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी एंड किस किस ने बनाया। ओके, सो कुछ यहाँ पे मैं उसी मसाले में डालकर इसको अच्छे से मसाले में पकाऊंगी जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे। एंड इसमें मैं नमक भी डाल रही हूँ, याद रहे नमक मैंने छोले में भी डाला था, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर नमक भी डाल रही हूँ। सो अच्छे से मैं पका लूँगी। तो इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक इसमें से तेल बाहर नहीं आ जाएगा।
तो अब कैसा है, मसाला भी खूब अच्छे से पक जाता है एंड उसका कच्चापन का टेस्ट भी निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो मसाले वो अच्छे से पक गए हैं एंड जो मैंने बॉईल किया हुआ चना है एंड खड़े मसाले के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ, कुछ मैंने निकाला नहीं है। आप चाहें तो इस स्टेज पर आप निकाल भी सकते हो क्योंकि ऑलरेडी जो उसका टेस्ट है वो हमने बॉयल करते वक्त चने में वो आ ही गया होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पकाऊँगी, लाइक 3 से 4 मिनट इसे मैं खूब अच्छे से पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पर। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़े टाइम के बाद अकॉर्डिंगली पानी डाल के मैं पका रही हूँ, जितना आपके फैमिली को पसंद है। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गाइज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से ये रेसिपी सोच रही थी कि शूट करूँ, बट फाइनली मुझे मिल गया शूट करने का वक्त। तो यहाँ पे अच्छे से बॉईल आ चुका है एंड काफ़ी टाइम तक ये पक रहा था, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर। एंड पनीर ऐड करने के बाद इसको मैं अगेन 2 से 3 मिनट इसे पकाऊंगी लो फ्लेम पे। एंड उसके बाद गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर से धनिया पत्ता ऐड करूंगी। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरा रेसिपी है वो मैंने अकेले ही शूट किया है एंड किचन में थोड़ी सी लाइटनिंग की प्रॉब्लम है जिसके वजह से वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। बट मैं कोशिश करूंगी कि अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहो। ट्राईपॉड भी नहीं है, जो भी है मुझे हाथ से ही शूट करना आता है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।